नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए रुख करते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों। 6 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस अब पूरी तरह से कमर कस चुकी है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा उपचुनाव को लेकर विभिन्न सीटों पर मीटिंग ले रहे हैं। बीते दिन देवली उनियारा और खींवसर सीट को लेकर जहां डोटासरा ने मैराथन मीटिंग ली थी, तो आज वहीं झुंझुनू सीट को लेकर पदाधिकारियों के साथ गहन मंथन किया। इसके साथ ही डोटासरा ने मीटिंग में कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करते हुए 6 सीटों पर जीत का दावा भी किया। भाजपा प्रदेश प्रभारी राधामोहन दास अग्रवाल एक बार फिर से सचिन पायलट पर हमलावर हो गए हैं। बीती रात उदयपुर में राधामोहन दास की गाड़ी को काले झंडे दिखाने और स्याही फेंकने के मामले को लेकर राधामोहन ने सचिन पायलट को जिम्मेदार बताया है। साथ ही राधामोहन ने कहा कि अगर उनकी जान को किसी भी प्रकार का कोई खतरा होता है या उनको कोई खरोंच भी आती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी सचिन पायलट। राजस्थान में भारी बारिश के बीच अब थोड़ी राहत मिलती हुई नजर आई है। मॉनसून के कमजोर पड़ने के साथ ही अब बारिश की गतिविधियों में कमी देखने को मिली है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक बारिश की गतिविधियों में पूरी तरह से कमी रहने की संभावना भी जताई है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में 31 अगस्त से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने तथा सितंबर के प्रथम सप्ताह में बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है। नियुक्ति की मांग को लेकर विद्यार्थी मित्र फिर से आंदोलन की राह पर हैं। 8 साल नौकरी करने के बाद करीब 6,500 विद्यार्थी मित्र बेरोजगार हो गए थे, जिसके बाद से ही विद्यार्थी मित्र आंदोलन की राह पर हैं। विद्यार्थी मित्रों ने जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना देते हुए भजनलाल सरकार से 6,500 परिवार को ध्यान में रखते हुए फिर से इन्हें नियुक्ति देने की मांग की है। प्रदेश की भजनलाल सरकार के खिलाफ युवाओं का गुस्सा फिर से फूटता हुआ नजर आ रहा है। 5 सूत्री मांगों को लेकर राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ अध्यक्ष अशोक चौधरी और NFU के अध्यक्ष हनुमान किसान के नेतृत्व में शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में युवा बेरोजगार मौजूद रहे। धरने में LDC भर्ती आउट ऑफ सिलेबस सवालों के साथ ही महिला आरक्षण को लेकर विरोध किया गया। हनुमानगढ़ जिले के रावतसर में देर रात को निजी बस पलटने से 16 यात्रियों सहित 17 लोग घायल हो गए। रावतसर पुलिस के अनुसार निजी वीडियो कोच बस रावतसर जयपुर मार्ग पर बन्ना हॉस्पिटल के सामने ट्रैक्टर से टकरा कर पलट गई, जिसमें ट्रैक्टर चालक और बस सवार 16 यात्री घायल हो गए। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और सभी घायलों को रावतसर चिकित्सालय भर्ती कराया गया, जहां से 3 यात्रियों को हनुमानगढ़ जिला चिकित्सालय रेफर किया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। वहीं गंभीर घायल ट्रैक्टर चालक को चंडीगढ़ रेफर किया गया है। हनुमानगढ़ के गोलूवाला के भोलेवाला गांव के पास भारी बारिश का कहर देखने को मिला। बारिश के चलते भोलेवाला गांव के पास नहर टूट गई। नहर में करीब 7 फीट का कटाव आया। नहर के टूटने से सिंचाई का पानी कॉलोनी में भर गया। मौके पर पहुंचकर अधिकारियों ने नहर की मरम्मत का कार्य शुरू करवाया। राजस्थान में बढ़ते महिला अपराध और दुष्कर्म की घटनाओं के विरोध में NSUI अब सड़कों पर उतर चुकी है। NSUI छात्र संगठन की ओर से राजस्थान यूनिवर्सिटी में जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए BJP सरकार का पुतला दहन किया। इसके साथ ही भजनलाल सरकार पर आरोप लगाया कि राजस्थान में अपराध और दुष्कर्म की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन सरकार इनको रोकने में पूरी तरह से नाकाम रही। राजस्थान के जोधपुर में बच्चियों से दरिंदगी के कई मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में इस मामले को लेकर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट X पर पोस्ट कर नाराजगी जताई और BJP की सरकार पर हमला बोला। गहलोत ने पोस्ट में लिखा, जोधपुर के महात्मा गांधी राजकीय अस्पताल में नाबालिग से गैंगरेप की घटना राजस्थान में बनते जा रहे जंगलराज के हालातों का एक जीता जागता उदाहरण है। कोलकाता महिला डॉक्टर से रेप के मामले में बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बयान सामने आया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि वे भयभीत हैं। कोई सभ्य समाज अपनी बेटियों और बहनों के साथ ऐसी अत्याचार बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं घटना को लेकर निराश हूं और डरी हुई हूं। इसके साथ ही द्रौपदी ने निर्भया कांड का भी जिक्र किया। ये थी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आप देख रहे हैं खबर दिन भर। नमस्कार।